हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं इस बारे में बताऊंगा कि जैसे कि आपके कोई फ़ोन में अगर आप कुछ ऐसी वेबसाइट पे गए हो या आप कुछ ऐसा कोई चीज़ देख रहे हो जिसको आप ही देखो और कोई और देख नहीं पाएगा, तो जैसे आपको कोई और देखेगा तो वो चीज़ अचानक से गायब हो जाएगी, वो चीज़ उसको दिखेगी नहीं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि आपके कोई फ़ोन में आप अगर कुछ ऐसी वेबसाइट पे गए होंगे या कुछ कुछ ऐसे फ़ोटो देख रहे होंगे जिसका चाहे आप कि ये फ़ोटो जो मैं देख रहा वो फ़ोटो कोई और ना देख पाए, तो इससे जैसे ही वो कोई अपना दूसरा कोई अपने फ़ोन में जाएगा तो उसको ये फ़ोटो दिखाई नहीं देंगे, इस फ़ोटो ये अपने आप ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगे। तो मैं इस बारे में बताऊंगा। सबसे पहले छोटे दोस्तों, मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। दोस्तों, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको छोटी सी एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। इस प्ले स्टोर में से आपको एक एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करना है जिसका नाम है टच प्रोटेक्ट द तो बेस्ट टच। इसको मैंने स्टार्ट कर लिया, मैंने डाउनलोड कर लिया दोस्तों। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। मैं इसको दोस्तों ओपन कर लेता हूँ दोस्तों। सिंपल से ओपन करना है दोस्तों। इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा दोस्तों। इसको कुछ नहीं करना है, शेक पे जाना है। शेक पे ये शेक लॉकिंग इसको ये इस तरह का होगा, इसको ऑन कर दिया दोस्तों। इसके बाद आपको यह प्रोमेक्स इस पर अन साइड इस पर कहीं पर भी नहीं जाए दोस्तों। सिंपल से आपको लॉक डिजाइनिंग पर जाना है दोस्तों। इसके बाद आपको मैंने यहाँ पर फोटो सेव रखा है तो आप फोटो भी कर सकते हैं या कैलकुलेटर भी सेव कर सकते हैं, जिस जो भी आपको इच्छा हो वो उस तरह का फ़ोटो आप या सेट कर सकते हैं दोस्तों। कुछ भी सेट कर सकते, इस तरह से यहाँ गैलरी से आप कुछ भी फ़ोटो सेट कर सकते हो सिंपल से। तो आपको जो भी सेट करना हो वो कर सकते दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको दोस्तों एक इस ये ट्रिक करके बताऊंगा दोस्तों। जैसे मैं फ़ोन को मैं इसको हिलाऊंगा, फ़ोन को जैसे मैं हिलाऊंगा तो दोस्तों आपको वो फ़ोटो नज़र आएगा दोस्तों। इसको मैं फ़ोन को एक बार हिला देता हूँ दोस्तों। मैं इसको हिलाऊंगा तो आपको कुछ अलग तरह का नज़र आएगा इस तरह से ये। इसके बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको इसको आपको दोस्तों के वॉल्यूम की अप की को प्रेस करना है जिससे आपको नॉर्मल मोबाइल दोस्तों इस तरह की ट्रिक है। जैसे आपको एक बार हिलाऊंगे, इसके बाद आपको जो भी अपने फ़ोटो सेट किया है इस पर वो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो फिर उसको आपको एज ए आपकी म्यूज़िक जो वॉल्यूम की आपकी है उसको प्रेस करेंगे तो एक सिंपल नॉर्मल मोबाइल हो जाएगा दोस्तों। तो मेरा वीडियो किसी लगा अच्छा लगा तो लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करना ना भूले और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।